आज हम बनाएंगे चौलाई के लड्डू। चौलाई के लड्डू खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं और इन्हें खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। चौलाई में आयरन, फाइबर और विटामिन सी भी होता है। चौलाई की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। चौलाई को हम राजगिरा, रामदाना भी कहते हैं और इन्हें व्रत में भी खाया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि पर आप इन लड्डुओं को बनाकर रख सकते हैं और इन्हें खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रिया, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियाज फूड बास्केट में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं चौलाई के लड्डू। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चौलाई ली है और इस चौलाई को मैंने साफ कर लिया है। इसमें छोटी छोटी किंकरी होती हैं जो हमें इन चौलाई से अलग कर देनी है, नहीं तो हमारे जो लड्डू बनेंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और हमने यहाँ पर गैस पे रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हम थोड़ी सी चौलाई डालेंगे, सारी चौलाई को हमें एक साथ नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ी सी चौलाई ही हमें कढ़ाई में डालनी है। हम इस चौलाई को कपड़े की सहायता से भी भून सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस समय कपड़े की सहायता से चौलाई को नहीं भूनेंगे। हम ये नेट कवर या जाली प्लेट को रखकर चौलाई भूनेंगे। जब चौलाई भूनती है तो फ्रेंड्स ये चारों तरफ को बिखरती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके फेस पर ये चौलाई ना आके लगे। आप अगर कपड़े से चौलाई भूनते हैं तो इस तरीके की जो जाली प्लेट है उसको आप एक हाथ से पकड़कर अपने फेस की तरफ रख सकते हैं ताकि फेस पर आकर वो चौलाई ना लगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये इस तरह से चौलाई भून ली है और अब हम इस प्लेट को हटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसी तरीके से सारी चौलाई को हम भून लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी चौलाई यहाँ पर भून ली है और इसमें से हम ऐसी चौलाई को अलग कर देंगे जो भुनी हुई नहीं है। तो उसके लिए हम लेंगे एक मोटी जाली वाली छन्नी। ये देखिए, पहले आप देख लीजिए, जब आप चौलाई भूनते हैं तो उसी वक्त देख लीजिए कि इस वाली प्लेट जाली में से जो चौलाई है वो निकल रही है नहीं निकल रही है, तो फिर उसी से आप इसको छान लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको छान लिया है और इसमें से ऐसी चौलाई निकल गई है जो अच्छे से भुनी नहीं है। और अब हम बनाएंगे इसके लिए एक चाशनी, और चाशनी बनाएंगे हम गुड़ से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे मेरा गुड़ मेल्ट हो जाए। और गुड़ मैंने यहाँ पर 170 ग्राम लिया है। आप ये चाशनी चीनी की भी बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये मेरा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो लड्डू है वो क्रंची बनाने हैं तो आप दो तार की चाशनी बनाएं, अगर आपको लड्डू सॉफ्ट बनाने हैं तो आपको सिर्फ गुड़ को मेल्ट ही करना है और उसे 1-2 मिनट के लिए पकाना है सिर्फ, उससे ज्यादा हमें गुड़ को नहीं पकाना है। और इस गुड़, अब हम इसको यहाँ पर छान लेंगे। छानने के बाद हम चौलाई में इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर चौलाई में इसको मिक्स कर लिया है जो चाशनी तैयार करी थी, और अब पानी का हाथ लगाकर हम इस लड्डुओं को बना लेंगे, क्योंकि गर्म होता है तो हाथ हमारे जलते हैं। ये देखिए, एकदम से मैंने इसको लिया बनाने के लिए तो हाथ जलने लगा, तो मैंने पानी का हाथ लगा लिया। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे लड्डू बना लिए हैं। लड्डुओं का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको छोटे बनाने हैं या मोटे बनाने हैं। और फ्रेंड, जरूर इसको ट्राई करिए, और बच्चों के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, आप उन्हें दूध में घोल कर इनको दे सकते हैं। और आप भून के भी चौलाई को रख सकते हैं, जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगती है आप दूध में उसको डालकर और हल्की सी चीनी डालकर आप इनको खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।